हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स 030 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर की साइड ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी कंपनी की सिम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिस कंपनी का सिम है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। इसका अगला पेज आपका ये APN का होगा। APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहां पे रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन का जो इंटरनेट स्लो चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है, कभी कभार ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे फोन का इंटरनेट स्लो चलता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे आपको सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। यहां पर आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में दोबारा से रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आपको एक कंफर्मेशन ये भी करना है कि आप अपने मोबाइल फोन का जो इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं उसे आपको चेक करना है। लगभग जो है हमारा इंटरनेट का रिचार्ज जो है वो लगभग खत्म होने वाला होता है, यानी कि थोड़ा सा बचता है, तब जाके हमारे फोन का इंटरनेट जो है वो स्लो चलता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपकी जो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, और दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर भी कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे ऑनलाइन अपडेट पर टैप करना है। अब यहां पर आपको एक पेज ओपन होगा, इसमें कंटिन्यू पर टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको थोड़ी देर तक उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये इस तरीके का पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन का इंटरनेट स्लो चलता है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि फोन को है ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,